ये मेरे हस्बैंड हैं सैयद नईम, जो विजयवाड़ा भवानीपुरम में हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हायर ऑफिशियल से कि इनका पासपोर्ट पहले सीज करवाए, वरना और लड़के उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकते। मेरे को सिर्फ इस्तेमाल करे पैसों के लिए, इनो और इनके माँ बाप तीनों इस्तेमाल करें, पैसे बना लें। पैसों के वजह से घर लिए 30 लाख का नूलका पेट में, अब दूसरे घर नहीं देती बोलकर बोली, मना करी, 1 साल का मोहलत ली, तो मेरे को मारने के लिए, जान से मारने के लिए कॉन्स्पिरेंसी प्लान करे, जो कि मैं पीएस में ऑलरेडी एविडेंस रख दी। मैं इंसाफ होना है, ये बंदे को सख्त से सख्त सजा मिले। ये पैसों का और लड़कियों का भूखा है। एक लड़की नहीं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है ये डेली, इसका भी एविडेंस मैं ऑलरेडी पीएस में रख दी, आगे भी लेकर जाती हूँ कोर्ट में। मैं इतना ही दरख्वास्त कर रही हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले, पहले इसको इंडिया में रोके, कहीं भागना चाहिए। मैं पुलिस से इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा, इसका पासपोर्ट पहले रुका दो, वरना ये दूसरे लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर देता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा सुल्ताना है। मेरी शादी हुई थी 2016 अप्रैल 24 MJM फंक्शन हॉल में। अरेंज मैरिज थी। इनके रिश्तेदार हैदराबाद में थे, करीमुल्ला सैयद, उन्होंने रिश्ता लगाए थे। उनके तरफ से हम ओके करें। उनकी एक कंडीशन थी शादी के वक्त कि बच्ची पढ़ी लिखी रहना, दुबई में जॉब करना, हस्बैंड के साथ रहना। ठीक है बोल के हम शादी करें। मैं अक्टूबर 2019 दुबई गई थी। उससे पहले हस्बैंड बहुत दफ़ा, शादी हुआ सो 8 दिन में ही टॉर्चर करना शुरू कर दिए, पैसे मेरे एक्सपेंसेस में ही कुछ उठाओ बोलकर, या अम्मी अब्बा से पूछ के लो, तुम अपना चलाओ, मैं नहीं देता बोलकर। एक बार नागोल में शादी हुई सो 8 दिन में ही मेरे को, नाम जी ये मेरे हस्बैंड है क्या सैयद नईम, तो इन्होंने रहते विजयवाड़ा में भवानीपुरम कामाकोटी नगर। तो 8 दिन में, 8वें दिन में ही मेरे को नागोल पे आधे रास्ते में छोड़ दिए और ऑटो में चले गए खुद, बात पैसे नहीं देती बोलकर बोली, तो आधी रात में छोड़ दिए। फिर मैं अब्बा को कॉल करी और खुद अकेली घर आई। वो हो गया तो मैं दुबई को गई थी। अब पूरा सैलरी जो भी था उन्होंने हाथ में देना बोले, ठीक है बोलकर दे दी। एक दिन मैं पूछी सिर्फ मेरे एक्सपेंसेस के लिए कि मेरे को सैनिटरी होना मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो कार में से धक्का दे दिए, मेरे को कुछ पूछना नहीं, सवाल जवाब नहीं करना बोलकर, रनिंग कार से। बट कार सीट बेल्ट होने की वजह से मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो पार्किंग में रोक के नीचे गिरा दिए मेरे को और खुद चले गए आधी रात छोड़कर। दुबई देरा में रहती थी मैं, अलगुरेर मॉल के पास, जहाँ पे फातिमा बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग का नाम है। ये सारा हो गया। हर मंथली मेरे को मेंटल टॉर्चर करते थे, पैसे आने से पहले, सैलरी देने से पहले बहुत ज़्यादा मारे। जब मैं पूछी उनको घर कैकू लेट आ रहे तुम, मेरे को मालूम नहीं हुआ इन्हों कर कैकू लेट आ रहे थे पहले घर। अब फिर मैं बीच में 2019 में प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए इधर आई, 1 रुपया भी खर्चा नहीं दिए, 1.5-2 लाख अम्मी पूरा डिलीवरी कराए, अम्मी अब्बा कामिनी हॉस्पिटल LB नगर पे। उसके बाद मैं वापस गई सितंबर 12, 2021 दुबई वापस। जब उधर गई तो बैड इंटेंडेंट एम्प्लॉयर के साथ काम करो बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने मेरे को 5,000 सैलरी दे रहा था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मेरे को प्रेशर कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। मेरे को 4 दिन बच्चे को, मेरे को 4 दिन भूखा रख दिए, मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी बोलकर। उसके बावजूद मैं कहीं और ज्वाइन करी टूरिज्म में, 2,500 दिरहम सैलरी। उसके बाद उन्होंने घर आना, सेम ऐसे चल रहा था नहीं जी। अब जब हम फ़रवरी 12 इनके घर गए कि हमारे पे, मेरे पे जो कैरेक्टर असासिनेशन ब्लेम लगाए पूछने के लिए, तो सबके सामने बोल रहे हैं, एक नहीं 40 करते हैं, हम सैयदा है, हम सैयद फैमिली से है, औरत बात नहीं करना हमसे, हम जो करते हैं हमारी मर्जी है। वो एक नहीं 40 शादी करते, हर गांव में अफेयर रखते, हर गांव में हम बच्चे पैदा करते, क्या करते तुम लोग, ऐसा धमकी देने लगे। तो हम नेक्स्ट दिन आए और WPS में FIR कर दिए थे। मेरे सैलरी से वो घर लिए, 30 लाख का घर नूलका पेट में। अब दूसरे घर के लिए मेरे को प्रेशर करे, जब मैं मना करी तो मेरे को बच्चे को मारने के लिए प्लान बनाए। ये मेरे हस्बैंड है सैयद नईम, जो भवानीपुरम विजयवाड़ा में रहते हैं। मैडम, आप पुलिस के हायर ऑफिशियल से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस हायर ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट कर रही कि इन लोग को सख्त से सख्त सजा हो। जो ये है मेरे, ये है सास ससुर सैयद नज़ीर और सैयद नज़ीर और सैयद अमीनुन्निसा, इनो दोनों और सैयद नईम जो हस्बैंड है, मिलके मारने का प्लान बने मेरे को बच्चे को, जब मैं मना करी 60 लाख का घर नहीं लेना है, अभी 1 साल टाइम दो।
घर है वो? ये मेरा ही घर है, जो मेरे घर से, मेरे पैसों से, आप मेरे जो कमाए हुए पैसों से 30 लाख का घर नूल का पेट में लिए थे, और दूसरा घर के लिए प्रेशर करे मेरे को, जो कबेला में है, 3 BHK अपार्टमेंट। आप लोग शादी से पहले कुछ कंडीशन थी क्या? आप जो है कमा के देना। नहीं, ऐसा उन्होंने बोले शादी के वक्त की पढ़ी लिखी बच्ची होना है, जो दुबई में काम करना है लाजमी। तो हम ब्रॉड मेंटालिटी, आज के जनरेशन के हिसाब से ब्रॉड मेंटालिटी है, ऐसा बताए कि हम बहुत ब्रॉड मेंटालिटी है, बच्चे कर लिए तो उनका ही छोटा, ऐसा बोलकर बाता सुना दिए, पूरा टॉर्चर करना शुरू करिए। जब पैसे दे दिए सेकेंड घर के लिए, बच्चे की वजह से मैं मना करी, 1 साल का वक्त ली, तो मेरे को बच्चे को मारने का प्लान बना है, कॉन्स्पिरेंसी, जो कि रिकॉर्ड है, एविडेंस है PS में। मैं इतना ही गुजारिश कर रही हूँ कि इनो अभी ये सब करके आगे लड़कियों को धोखा देना चाह रहे हैं। ये कैंडिडेट बहुत डेंजर है, सैयद नईम, ये लड़कियों का भूखा है, इसको जल्द से जल्द इनका पासपोर्ट जो है आप रुकाइए। इनो आगे ये प्लान में है कि दुबई वापस जाना, कोई दूसरी कंट्री वापस जाना, लड़कियों को धोखा देना, फिर यही सब कुछ हाँ करना। आप, मैं हायर ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बस इनको जल्द से जल्द सजा दिलाए और पासपोर्ट पहले सीज कर दीजिए, कहीं ये बाहर जाके किसी और दूसरी लड़कियों की जिंदगी खराब ना करें। छोटे बच्चे को मारने की कोशिश करें, जो इनका खुद का 2 साल का बच्चा था।